अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। और आप कौन है? हेलो, नहीं ये आगे वाले भाई साहब, मैं नहीं बताऊंगा। और मिश किधर है? हेलो, हाउ आर यू? अच्छा बच्चे कुछ ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकास बहुत सख्त तंग पड़े हुए थे, कहते कहीं घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश रहेगा। तो हम अभी आज घर से निकले, अभी हमने सोचा नहीं है हम कहाँ जा रहे, क्या होता हम आधे घंटे वापस आ जाए, हमारा कुछ पता नहीं है। अभी हम जा रहे हैं, मैंने ड्रेस पहना हुआ ये वाला, ये मैंने पहचान मॉल से लिया था। खड़े को दिखाऊंगी इसके बाजू का स्टाइल है ये। अब जब खड़ी होंगी ना फिर आपको सही से नज़र आएगा कैसा ड्रेस। और ये इयरिंग्स वकास लाए थे मेरे लिए, G9 से ढेर सारे इयरिंग्स लाए थे। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट इयरिंग्स जो वीडियोज़ में आजकल पहन रही हूँ ना, वो सब वकास लेकर आए थे मेरे लिए। तो अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम निकल रहे हैं और बलाज जो है वो बैठ ही नहीं रहा। बलाज बलाज की कटिंग मैंने की है, अच्छा इतनी प्यारी इसलिए लग रही है वो, क्योंकि बच्चों की कटिंग वो खुद करती, चाहे बेटी हो या बेटा। तो अभी बस हम घर से निकले हैं, अभी मैं अपने गूगल मैप पर लोकेशन डालूंगी, इसलिए मैं मोबाइल रख रही हूँ। अब वहाँ पहुँच के ब्लॉगिंग करूँगी, या रास्ते में कोई जगह प्यारी आई तो वहाँ पर ब्लॉगिंग करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये हम लोग इस्लामाबाद से किस जगह से निकले हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, ताकि अगर कोई और भी जाना चाहे तो उसको टूरिस्ट गाइड मिल जाएगी ना। हम कश्मीर हाईवे से एक्सप्रेस हाईवे पे आए। मैं ना आप लोगों को साथ साथ ना गाइड भी करती रहूँगी कि हम लोग कैसे आए। ये सर्विस गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं हम लोग, 4 आवर का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर रास्ते में हम कहीं स्टे करेंगे या कुछ करेंगे तो साथ साथ वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी। बाकी वकास आपको बता देंगे कि ड्राइव तो वो कर रहे हैं ना, है ना, वेदर वगैरह कैसा है वो भी बताएंगे। हम लोग खुद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस होगा ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम कश्मीर हाईवे पर निकले हैं, कश्मीर हाईवे पर फिर हम जाएंगे आगे एक्सप्रेस हाईवे पे। यहाँ से गूगल मैप के थ्रू हमें वो रास्ता बता रहा है आपने जाना है एक्सप्रेस हाईवे पे। उसके बाद फिर रवात रोड पे चढ़ना है, रवात रोड वाले जो रोड है ना वो कहूटा रोड वाली साइड पे मुड़ना। अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, यहाँ से अभी हम लेफ्ट हैंड टर्न कर देंगे कहूटा रोड। कितना दूर का डिस्टेंस रह गया अभी? तो 3 आवर 47 मिनट्स का गूगल मैप के थ्रू बता रहा है। आवाज कह रहे हैं यहाँ से गुजरा वाला और लाहौर भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मोड़ लो फिर। वो करीब पड़ेगा, सेम डिस्टेंस है ना, तो ज़्यादा दूर पड़ेंगे। 6 घंटे का सफर जो करीब पड़ता है वहाँ ले जाओ बस। इसलिए हम रात में निकले ना कि बच्चा सोए रहेंगे, तंग नहीं करेंगे ज़्यादा। अब आज भी सोया रहता है रात को, बलाज भी और अरमिश भी, तसीब नहीं सोती है। तसीब बड़ी है माशाल्लाह, तंग नहीं करती है। छोटे बच्चे सारे सोए रहेंगे, बार बार फीडर पैम्पर वाला मसला नहीं होगा रास्ते में। हाँ जी, रास्ता निकल है तुम्हारे लिए स्पेशल है। क्या है ये? क्या है? शराब है? नहीं, पीच माल्ट है, मरी ब्रूरी की वो है। मैं तो नहीं पीती है। अरे पीनी चाहिए ना यार। शराब लेज वगैरह लाया हूँ, एक तस्वीर का, एक तुम्हारा। ना छोड़ी जाए। ये हमने कहाँ पे स्टे किया? ये हम इस वक्त कोटा रोड पे। अच्छा, आपने तो खाने पीने ये तो बेटा ये लो, आप अपने लो, अपनी अपनी चीजें लो, हमारी चीजों पे नजर नहीं रखो। अच्छा, मतलब आज ही कटिंग की है मैंने, ये प्यारी सी डेरी मिल्क्स। ये मेरी डेरी मिल्क्स बला जी, मामा की, मामा की, नॉट यू। अच्छा, काट दिया ये मैंने। यार ये जैसे रेड एप्पल नहीं होती है, सेम वैसी है। नहीं नहीं, सिंडी के जैसी है। सिंडी नहीं पीता था मैं। पीच मॉल नॉन फ्लेवर होलिक सर, हमें जा रहा है पूरा पाकिस्तान घूमने के लिए निकल गया। एटीएम खाली करके वापस आ। ऐसी बंदा खिला देता है यार। मैं खाए ना, बिस्मिल्लाह करूं मैं खाए। अभी हम कोटा रोड से आज़ाद पटन रोड की तरफ जा रहे हैं। उसी रोड पे ये इंतहाई नहायत सिंगल रोड है ये, और इतनी मुश्किल ड्राइविंग है इस रोड की, छोड़ ही दें कि सब टूटी हुई रोड है एंड तक। डबल रोड कहाँ पे ख़त्म हुई? डबल रोड तो ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे ही ख़त्म हो गई थी, और सिंगल रोड स्टार्ट हो गई थी। सिंगल रोड स्टार्ट हो गई कोटा रोड से। अभी हम आ चुके हैं कोटली सतिया, सही नाम लिया है ना, कोटली सतिया का रास्ता मुड़ जाता है और आगे खड़ी ओट लिखा हुआ है, फासला 5 किलोमीटर। ये रेस्टोरेंट है आज़ाद पठान रोड पे और इसका नाम है स्पाइस विलेज फूड। यहाँ से हमने स्टे किया था और खाना खाया था, और आई थिंक यहाँ पे 10 बजे का टाइम था जब हम पहुँचे थे। और जितना गूगल डिस्टेंस बता रहा था ना, आप लोग डबल करके बिल्कुल ट्रिपल करके उसको काउंट किया करें। खाना बहुत अच्छा था, माश की दाल थी, वकास की फेवरेट होती है तड़के वाली दाल, वकास होटल से यही खाते हैं।
साथ में उबले हुए चावलों के साथ लड़के वाले चने थे और सैलड में खीरा हमने मंगवाया था और प्याज मंगवाई थी और नान थे। चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की, बहुत अच्छी। लोगों ने ना इस होटल पे स्टे किया है, इसका नाम है स्पाइस विलेज होटल और ये ना कोटा रोड पर आती है। यहाँ से चाय शाय पी हमने और सारे ही मेरे ख्याल से रास्ते में रुक रुक के ना स्टे कर करके जा रहे हैं, बस वापस निकलने लगे हैं हम लोग। मेरा दिल था कि यहाँ स्टे करते हैं 2-3 घंटे फिर चलते हैं, तो प्रवकाश कहते हैं कि नहीं चलते हैं आगे, फिर कोई और होटल आएगी फिर वहाँ पे स्टे कर करके चले जाएंगे। ये नाम है इस जगह का कुंडा आई थिंक, या कुंडा कुछ नाम है, आपको नजर आ गया है। और बहुत रात हुई हुई है और यहाँ के रोड से वैसे जैसे वो मरी के रोड होते हैं ना साइड पे, वो ब्लॉक्स की बनी होती है ब्रिजेस दीवार से बने छोटे छोटे ब्रिक्स वगैरह, तो हम जा रहे हैं कोई आ रहा है वापस। और मौसम इतना ठंडा है, सही ठंडी हवाएं चल रही है। नरड़ कुछ जगह का नाम है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, पुलिस के डर बैठे हैं। अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँचे, कुछ पता नहीं है, बस जगह जगह पर लिखा हुआ आता है आगे स्लाइडिंग है, आगे स्लाइडिंग है, पत्थर गिरने का खर्चा है, एहतियात से चलाएं। पूरे रास्ते में दूर दूर जीना पड़ती हुई आई हूँ और एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि मैंने वकास को बोला वापस चलो, मैंने नहीं कहा। बरा है पैदावार जंगल, पड़ताल बरा है पैदावार जंगल 1927। अभी हम पुल पे आ गए हैं, आपको दिखाती हुई है में। अभी पलंदरी में हम लोगों ने स्टे किया है, तो यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, दिखा देती हूँ, बेडरूम वाला एरिया है, बच्चे लेटे हुए हैं यहाँ पे। मैं इसको सोफे वाला एरिया दिखा दूँ, और यहाँ पे ये सोफा सेटिंग वगैरह हुई हुई है, ये यहाँ बैठोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, मैं नताशा वकास। अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं आपको ना बाहर के सीन सिखाती हूँ। इतनी ग्रीनरी है, ये देखिए मैंने अपने डोर खोला है अपने रूम का, वकास जल्दी आओ बाहर विकी, इतना प्यारा वेदर हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, ठहरे देखें कितनी धुंध है ना। कितना प्यारा मौसम है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई, हशर नशर हो गया, ये सही कर लेते हैं ना इसका। ये ना जब हम लोग जाएंगे, हम लोग दूसरी तरफ से आए ना, एक तो इस्लामाबाद से रास्ता है जाने का मरी के थ्रू, कि आप लोग मरी जाओ, मुजफ्फराबाद जाओ, फिर वहाँ से जाओ। दूसरा रास्ता है ये वाला जहाँ से हम लोग गए, हम लोग शायद गलत रास्ते से आ गए क्योंकि हम गूगल मैप के थ्रू आए थे। विकास मुझे कह रहे थे कि ना उधर से चलते हैं मरी से, मैंने कहा गूगल पर डालते हैं जहाँ से ले जाता है वहाँ से चलते हैं। अभी वहाँ पहाड़ों पर देखें आप किस तरीके से माशाल्लाह बादल नज़र आ रहे हैं नीचे, ये ना बादल है एक्चुअली में, है ना वकास, ये बादल होते हैं इतने नीचे। ओ हो वो कोने में देखें बादल है, देखिए बादल है वो वाले, देखो वो ये देखें, अभी हम निकलेंगे कहीं से नाश्ता करेंगे, 6 बज रहे हैं अभी सुबह के, कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह 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 से। ये भी आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, कोई पालंदरी नाम है इसका। अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे, यहाँ पे काफ़ी जगह हैं, लाइक यहाँ पे किसी शोदा का मज़ार भी आता है। अभी हम झील की तरफ जाएंगे, हमने सोचा था कि रास्ते में रुक रुक के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से विज़िट करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम शादी के बाद फर्स्ट टाइम निकले, हम कभी नहीं गए ऐसे घूमने फिरने, तब टाइम ही नहीं मिला।
है ना विक्की, माशाल्लाह से अल्लाह तबारक व ताला ने मौका दिया है, तो हमने कहा ऐसा नहीं जाएंगे कि एक दिन के लिए गए और वापस आ गए, घूम फिर के आराम से आएंगे। माशाल्लाह 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 से बहुत प्यारा व्यू है। हाँ, और वो नाश्ता कर रहे हैं, ऐसा लगता है आसमान सर पे, ये हमारा रिजॉर्ट जहाँ हम रुके थे रात। ये जब वहाँ पे जाओ ना, वो जो रोड है वो सीधा सीधा जा रहा है ना, हम वहाँ से गए थे, हम यहाँ से रिजॉर्ट पे ऊपर की तरफ आ गए। वो हमें पुलिस वाले अंकल थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने हमें खुद यहाँ पे ड्रॉप किया था। बाकायदा इनसे बात किए कि हमारे मेहमान आए इस्लामाबाद से, तो इनको आप लोग, मैं आपको ना यहाँ का नाम भी दिखा देती हूँ क्या है, कि आप लोग भी कभी आएँ तो आपको पता हो किधर जाना है। ये है टूरिस्ट लॉज पलंदरी सदनोती, ये इसका आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है बेसिकली। यहाँ पे आई थिंक 10 डिस्ट्रिक्ट 10 जितनी मेरी नॉलेज में है, 10 है आई थिंक, या तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये किन्होंने बनवाया था, अक्टूबर 13, 2015 में आज़ाद जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट PWD बिल्डिंग डिवीज़न सदनोती। तो ये वाली जगह थी जहाँ से हम आए थे। रोड भी मैंने दिखा दिया आपको कि ऊपर चढ़ते हुए सीधे सीधे निकल जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा और चढ़ाई पे ऊपर की तरफ आ जाओ। तो रूम भी था साथ में, ड्राइंग रूम भी था, वॉशरूम भी था, और एक हमें डोर दिया हुआ था जिससे हम ये बालकनी में आ सकते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम से, कि सुबह सुबह के टाइम आके अगर आप लोग नज़ारे करना चाहो तो कितना प्यारा वेदर है, वाह आई एम सो हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना कि देख के अल्लाह ताला की हमद सना करने का दिल करता है कि अल्लाह पाक ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, हम लोग खुद गन डालते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है ना देखिए।